हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल साक्षर मदन आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि छोटे बच्चों को बिना मात्रा वाले शब्द लिखना कैसे सिखाएं इसके लिए जरूरी है कि बच्चे को बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ने आने चाहिए तो छोटे बच्चों को बिना मात्रा वाले शब्द पढ़ना कैसे सिखाएं इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्सन बॉक्स और आई बटन में दे दिया आप चाहें तो वहाँ जाकर उसे चेकआउट कर सकते हैं तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मैंने दिया है कि नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाएं मैंने कुछ चित्र बना दी है और उनके साथ उन चित्र के नाम जो है उन को मैंने अलग अलग करके यहां लिखा हुआ हम तो बच्चे से पूछेंगे कि यह क्या है बच्चा आसानी से बता देगा कि यह नल है तो हम उसे कहेंगे इन वर्णों को पढ़ो और एक साथ बोलते हुए यहां पर लिखो न लॉ हल और इस तरह से फल कप और खत भी बच्चा लिखेगा और शब्द को बनाना सीखेगा चित्र की सहायता से और वर्णों की सहायता से भी यहाँ पर मैंने दूसरा दिया है कि मैंने यहाँ चित्र नहीं दिए हैं लेकिन एक लय ले वाले वर्णों को यहाँ पे लिखा है नल फल दल बल पल हल और बच्चे को सबसे पहले जब हम दो वर्ण के बिना मात्रा वाले शब्द लिखाते हैं तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को हम ले वाले शब्दों को लिखाएं ताकि बच्चे उसे आसानी से याद कर सके और जब यह बच्चा अच्छे से करने लगता है उसके बाद बिना ले वाले शब्द भी जब हम उसे देते हैं तो वह आसानी से इनको कर लेता है छत चख बस सच धन डर इन सबको बच्चा बहुत आसानी से कर लेता है इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है कि घेरे में दिए गए वर्ण को अन्य वर्णों के साथ मिलाकर शब्द बनाए तो यहाँ पर मैंने नौ दिया है और उसके साथ यहाँ पर कुछ वर्णों को लिखा है बच्चा इस नौ को इन वर्णों के साथ बारी बारी से मिलाते हुए यहाँ एक एक करके शब्द बनाकर लिखेगा इससे भी बच्चा शब्द बनाना सीखेगा और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर इस तरह से बनाया है जैसे मैंने जौ और उसके नीचे के बॉक्स में लौ गौ और पौ लिखा है जौ लौ जल ज ग जप इस तरह से बच्चा इसको भरेगा और यहाँ पर मैंने क को बीच में दिया है क पहले आएगा जैसे क और क कहाँ जा रहा है प के पास तो प कप इसी तरह से कल कह और कर बनेगा लेकिन जैसे यहाँ पर एरो बीच से होकर बाहरी डब्बे की ओर जा रहा है वहीं बाहरी डब्बे से होकर बीच की ओर जा रहा है ठ ग ठग यहाँ पे बच्चा ठ ग ठग और इसी तरह से एरो आ रहा है गौ की तरफ मग पौ का एरो आ रहा है गाओ की तरफ पग और डग इन शब्दों को बच्चा बनाते हुए लिखेगा इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है चित्र पहचान कर नाम लिखे मैंने कोई वर्ण बच्चे को नहीं दिए हैं और चित्रों की सहायता से उन्हें पहचान कर उनका नाम लिखने के लिए कहा है बच्चा आसानी से पहचान लेगा ये घर है और घर कैसे लिखा जाता है घ र घर इस तरह से बच्चा जग बस छत और रस को भी कंप्लीट करता है लिखता है लेकिन मैंने यहाँ पर उन चित्रों को भी हटा दिया है और कहा है कि मिलते जुलते शब्द लिखे बच्चा लय वाले शब्दों को पढ़ना और जानना सीख चुका है अब बच्चा लिखेगा अब जब फल चल घर डर मग जग रख चख पथ रथ इस तरह से बच्चा इनको कंप्लीट करेगा और यहाँ पर मैंने एक स्लेट जैसा बना दिया है और बच्चे को कहेंगे कि जो मिलते जुलते शब्द हैं उन शब्दों को जोड़ करके यहाँ पर लिखे जैसे जल नल फल जल नल फल बच्चा यहाँ पर लिखेगा इसी तरह से दस बस रस यहाँ पर लिखेगा और इसी तरह से मिलते जुलते शब्दों को अलग अलग पंक्तियों में लिखता चला जाएगा इससे भी बच्चा शब्द बनाना सीखेगा इसके बाद मैंने यहाँ पर दिया है सही शब्द भरकर वाक्य को पूरा करें यहाँ पर मैंने दो ऑप्शन दिए हैं एक सही और एक गलत है बच्चे को कहेंगे अब डैश चख इसमें क्या आएगा फल आएगा या हल आएगा बच्चा आसानी से बोलेगा फल आएगा तो अब फल चख नल पर जल भर अब घर चल बस पर मत चढ़ फल ढक कर रख इस तरह से बच्चा सही ऑप्शन को इसमें लिखेगा इसके बाद आता है डिक्टेशन बच्चे को हम डिक्टेट करेंगे वर्तनी लिखवाएंगे इसमें सबसे पहले हम शब्द लिखवाएंगे और इसमें बच्चे के पास ना वर्ण है न चित्र है बच्चे के पास कुछ नहीं है और हम बोलेंगे और उसको सुनकर और समझकर बच्चा लिखेगा तो इसमें भी वही चीज़ लागू होती है कि सबसे पहले हम उसे लय वाले शब्दों को करवाएं जैसे नल बल दल हल जल फल और जब ये बच्चा आसानी से लिखने लगे उसके बाद बिना लय वाले शब्दों को भी जब हम कराएंगे तो बच्चा उन्हें आसानी से लिख लेगा और जब बच्चा शब्दों को सुनकर समझ कर और लिखना शुरू कर दे तब हम उसे वाक्य लिखवाते हैं ये वाक्य बहुत छोटे छोटे होते हैं जैसे जय घर चल घर चल कर देखिए चल अलग होगा और कर अलग होगा एक साथ मैंने लिख दिया है ये नहीं होगा ये अलग अलग होगा घर चल कर पढ़ और इस तरह से दो तीन या चार शब्दों के छोटे छोटे वाक्य हम बच्चों से लिखवाने शुरू करेंगे इस तरह से बच्चा शब्द को लिखना बहुत अच्छे से सीख लेगा आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप लर्निंग